हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप साहब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं जा रहा हूँ एक जगह, लेकिन बताऊँगा नहीं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल के बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, ठीक है? और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ छोटा सा, तो दिखाते हैं आपको चल के कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं निकल पड़ा था तकरीबन 9 साढ़े 8 बजे। तो वहाँ रास्ते में बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रैफिक मिला है। अभी ये बैरिया टाउन से पहले बैरिया टाउन तक वहाँ से अंचोली से लेके बैरिया टाउन तक बहुत ट्रैफिक मिला है। बस इतना ट्रैफिक था कि सोचिए आप कि तो ज़्यादा टाइम 11 हो गया है। तो अभी ये 10 मिनट के लिए गाड़ी वाला रुका है यहाँ पे, तो मैं भी उतर गया। अल्लाह ताला मैं आए ऊपर हूँ, और 1 घंटा और लगेगा हमें पहुँचने में, 1 घंटा और लगेगा इंशाल्लाह। फिर आराम से हम लोग पहुँच जाएंगे। मैं आ गया हूँ हैदराबाद, और ये मुझे लग रही थी बहुत दूर की भूख, क्योंकि सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी 5 बजे शाम के, क्योंकि मैं उठा 5 बजे था। तो अभी मैं दिखाता हूँ मुझे कौन लेने आया है। ये देखें, मिल गया इनसे। नाम तो बता दें आप अपना। हाय, मेरा नाम सुहेब है। आर यू सिंगल और मैरिड? आई एम सिंगल। रेडी टू मिंगल? सर्चिंग अवे। इस बंदे के लिए जो है ना एक अदद रिश्ता दरकार है। बहुत अच्छी सी तैयारी थी क्यूरसी लड़की का, ठीक है? मेरा नंबर लिख लें, 0313376796। सच्ची में कॉल आनी शुरू हो जाएगी। और एक और बंदा आया है मुझे, ये खड़ा वो बंदा ब्राउन सूट के अंदर। और हम आए हैं यहाँ बर्गर स्ट्रीट लतीफाबाद। पहले हम अलफजर गए थे ना, अलफजर गए थे, वहाँ पे तूफानी रश हो रहा था। आज हैदराबाद में बहुत रश हो रहा है हर जगह, और मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर हम आए ढूंढते ढूंढाते, फिर यहाँ थोड़ा सा कम लगा टाइम, तो यहाँ आ गए। और अभी भी यहाँ बता रहे हैं ऑर्डर के अंदर जो है ना 1 घंटा लगेगा। तो भूख लग रही थी भाई बहुत दूर की, क्योंकि मेरी गाड़ी में हो गई थी तबीयत ख़राब। अभी वाकई में गाड़ी में तबीयत ख़राब हो गई थी, इतने झटके लगे गाड़ी में, खाया हुआ कुछ भी नहीं था ना। इन दोनों ने खाया हुआ है खाना, और मेरे लिए आ गया है ये बर्गर। कौन सा था? इटालियन बर्गर। और एक ये बंदा है जो ये लेकर आया है अंदर घुस के। रोल कहाँ गया? रोल आ रहा था। खाओ तुम भाई, बिस्मिल्लाह करो। आप नाम तो बता दो अपना। मेरा नाम यार सब जानते हो, नंबर भी दे दिया। मेरा नाम आशिर है भाई। और इनकी जो होने वाली है उनकी बहन की मुन्ना हुआ है ना? मुबारक हो भाई। बेसिकली ये बन गया खालू। खालू, और आप क्या बन गए ये भी बता दें। मैं तो कुछ भी नहीं बना, मैं क्यों बनूंगा कुछ भी। तो अभी फजर हुई है, फजर की नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता करने जा रहे हैं। कहाँ पे? नाम बताओ। बोल बिल्डिंग के पास इकबाल होटल। इकबाल होटल, बोल बिल्डिंग। तो ये लोग कह रहे हैं कि उसका पराठा कैसा है भाई? VIP, आओगे मजा आ जाएगा। दो बंदों को दे
चोरी करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर भाई और अभी हाँ डॉक्टर जो है डॉक्टर हमें ट्रीट दे रहा है। वैसे वैसे डॉक्टर मैं जब भी आता हूँ ट्रीट ही। और ये जो ये भाई साहब काली शर्ट में जा रहे हैं ना बड़ी मैचिंग की गरीब है इन्होंने बड़ी अच्छी और इनका मूड नहीं है बिल्कुल भी नाश्ता करने का जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। इन्होंने मैचिंग देखे ना ब्लैक टी शर्ट के साथ कितनी अच्छी गरीबी है ना। ये देखो ये हम जा रहे हैं अगर हम कराची में होते ना तो ऐसे घूम नहीं सकते थे इतनी सुबह सुबह हम डकैतों के हाथों आ जाते हैं। और हम ये ध्यान देखें आराम से घूम सकते हैं हम लोग खुले आजाद पंछी की तरह हैदराबाद में घूमते हैं। ये गोल बिल्डिंग की तरफ पराठे वाला इकबाल होटल इसके ये कौन सा एरिया कहलाता है? ये लाजपत रोड कहलाता है। ये है सदर की तरफ रोड सदर की तरफ है ये हैदराबाद और ये फैजाने जामा मस्जिद कादरी। और ये पता है ये हैदर इसका कपड़ों का काम है। ये जो आगे बंदा बैठा हुआ है और जो पीछे बैठा हुआ है ये इंजेक्शन लगाता है। यार कोई भी नहीं है इस टाइम। और ये इकबाल होटल आए थे हम वहाँ पे अभी तैयारी चल रही है वहाँ पे लगेगा अभी एक घंटा ठीक है। तो ये जो ये है ना ये इसने कर दिए चिरान ये बंदा देख रहे हैं आप ये जो पीछे बैठा हुआ तो ये हमें लेके जा रहा है। क्या उल्टी सीधी बात है क्या बता रहे हैं नहीं तो चिरान करिए अब टावर जा रहे हैं यहाँ से टावर नहीं यार हमें पराठा खाना था और ये पूड़ियाँ खिलाने लेके जा रहा है हमें ज़बरदस्ती उसकी अच्छी है। अब हम जा रहे हैं टावर टावर पे किस नाम से अल नसीब की पूरी खाने जा रहे हैं हम अल नसीब। ये है भाई हैदराबाद का टावर ये है टावर मार्केट ये हम जा रहे हैं पहुंच गए। ओहो रश तो देखो ये अल नसीब स्वीट और रश देखे आप यहाँ पे चलो यहाँ पर एक घंटा लगेगा भाई साहब आए पूरी खाने और ये भी कह रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना पूरी खाने का मैं आपको दिखाऊंगा चार पूरियाँ खा के उठेगा वो पाँच खा लेंगे। और ये ट्रीट किसकी तरफ है ये शहरियार की तरफ से ट्रीट है इनका ये कपड़े बेचते हैं और पूरी 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 बताओ पूरी बताओ इसके कपड़े बेचते हैं भाई चार बंदे हो आठ मिनट रखूं छह रंगों को और मंगाए बड़ी मुश्किल से मंगाने के बाद रानी बाग के लिए उठा लिए इसने पीछे से कार्रवाई कर दी है पूरियाँ क्योंकि कोई इलाका नहीं दे रहा था पूरियाँ छह पूरी में भैया कैसा लग रहा है आपको पूरी खा के एंड कर दिया तो जिसके पैसे जो ये शख्स है इसने पहले कितनी पूरियाँ खाई हैं तीन पूरियाँ खाई हैं और अभी लस्सी पी रहे हैं अपना भी तो गिलास दिखाओ अब मैंने एक पूरी खाई और एक गिलास पी रहा हूँ बस इतनी ईमानदारी की बात है। ये तीसरी पूरी थी जो तुमने छोड़ी है तो हमने खा ली है अल्लाह का शुक्र है नाश्ता हो गया है हम लोगों का अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा नाश्ता कराया। और अब हम कहाँ जा रहे हैं अब हम कहाँ जा रहे हैं ये लोग तो घर की तरफ जा रहे हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कब्रिस्तान चले चलो ये लोग चल रही है अपन चलेंगे असर के बाद। कौन सा एरिया है तिलक चौड़ी ये तिलक चौड़ी है भाई ये पिगेट स्कूल है हैदराबाद का बहुत मशहूर है सारे और ये सारे ब्रांड्स हैं।
ये नहीं, बाइक वाले नहीं, बाइक वालों की बात नहीं हो रही। ये सामने से ऑटो आ रहा है, ये क्यों खड़े हैं? ये राइडर है, ये गवर्नमेंट जो दोपहरी कॉलेज है। ये ये तिलक चाड़ी और ये सेंट मेरीज स्कूल है, क्रिश्चियनों का स्कूल है, लेकिन स्कूल बहुत अच्छा है। दाऊद सुपरमार्ट, और ये दाऊद सुपरमार्ट है। अब मेरी जितनी कोशिश हो रही है ना, तो मैं दिखाता जा रहा हूँ, हालांकि दुकानें बंद है लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। ये रावी अली में मशहूर है, ये जो जो ब्रांड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, तो वो सारे यहाँ के हैं ना, फेमस ब्रांड हैं। हालांकि बंद है लेकिन आप लोग फिर भी देख लें। ये जो ये आ रही है क्या चीज़ है? क्या ये जो एम बना हुआ है, बल्दिया ऑफिस है वो है, डिपार्टमेंट बल्दिया, ये बल्दिया का ऑफिस है। हालांकि मुझे इतने साल से पता ही नहीं है। पहले तो कुछ और लगा पता नहीं, यहाँ बड़ी सी मूर्ति मोटरसाइकिल पे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन यहाँ का। और ये वाली जो चाड़ी जा रही है ना, ये रेशम बनाई की चाड़ी चल रही है। ये देखो भाई, ये मशहूर है हैदराबाद की गोल्ड बिल्डिंग, ये बड़ा फेमस एरिया है। आप किसी को भी हैदराबाद में आके ये कह दोगे ना, भाई हमें गोल्ड बिल्डिंग जाना है, तो जो है ये पूरी गोल बनी हुई है, पूरी बीचम बीच में सेंटर में बनी हुई है और गोल है, तो वो आपको यहाँ पे पहुँचा देगा। और यहाँ जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं पढ़ने आता था, यहाँ एक कोचिंग सेंटर है नीट एजुकेशन। अब पता है, पता नहीं है कि नहीं है, शिफ्ट हो गया यहाँ, शिफ्ट हो गया, वरना मैं यहाँ पढ़ने आता था मेरा। हाँ यहाँ पढ़ने आता था भाई मैं। ये गोल बिल्डिंग चारों तरफ से गोल है, मैंने आईल साइंस से करा हुआ है। अब हम लोग दोबारा आए हैं पराठा खाने, क्योंकि जब हम आए थे तो जब टाइम था, हालांकि इनको भूख नहीं लग रही थी। इस बंदे की बातों पे ज़्यादा यकीन नहीं करना, ये बहुत झूठा आदमी, मक्कार आदमी है। इसकी शक्ल पे नहीं जाना, ये इसी मासूम शक्ल को लेकर नहीं बनेगा, लेकिन इसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये एक कोर्ट है, हाई कोर्ट, और इसके अलावा भी एक और कोर्ट है, इवन और हाई कोर्ट है वो। तो यहाँ पर मेरे पेपर हो चुके हैं, आई थिंक याद नहीं है मुझे, शायद 9 या मैट्रिक के पेपर हुए थे मेरे, यहाँ दिए थे मैंने अपने पेपर्स। अब ये यहाँ पे हो रहा है बहुत रश, इतनी देर हो गई खड़े खड़े, आँख में दम हो गया।